सो क्या हाल है भाइयों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और एक महीने बाद मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एंड मार्केट की हालत बहुत ही ख़राब चल रही है। काफ़ी भाइयों में पैनिक है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी आप लोग देख सकते हो 27 पे चल रहा है, जो कि अभी भी फियर ही है। मतलब लोगों में अभी भी काफ़ी पैनिक है और लोग अभी भी डरे हुए हैं मार्केट से। सो ये आई थिंक काफ़ी भाइयों का क्वेश्चन होगा कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए। क्या बियर मार्केट स्टार्ट हो गया, या फिर हमें थोड़ा बहुत पंप देखने को मिले तो हम मार्केट से निकल जाएं। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि गाइस आप लोग देखोगे तो ये चार्ट मैंने ओपन कर रखा है और टॉप यहाँ पे लगभग 69,000 का क्रिएट किया था और उसके बाद 40% का ड्रॉप आ गया बहुत ही जल्दी। तो ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। एंड ये जो टॉप बनाने के बाद ये जो ड्रॉप आया है 40% का, बहुत ही डेंजर ड्रॉप है गाइस। क्योंकि इस दिन 4 दिसंबर को जब ये ड्रॉप आया था तो लगभग 5 लाख के समथिंग जो ट्रेडर्स है वो लिक्विडेट हुए थे, जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। एंड 2.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का लिक्विडेशन हुआ था। सो बहुत बड़ा नंबर है ये। एंड ये सेकेंड टाइम है जब BTC एकदम से इतना बड़ा डंप लिया है, क्योंकि इधर अगर आप लोग देखोगे अप्रैल में टॉप बनाया था, उसके बाद 55% तक ड्रॉप हुआ था और काफ़ी टाइम तक एक जो है चौपी जोन में चला था। उसके बाद फिर से पम्प हुआ था लगभग 53 तक, एंड उसके बाद फिर ड्रॉप हुआ था 39 तक। तो ऐसे करके जो है BTC इस बुल रन में पंप हुआ है और ड्रॉप हुआ है। तो ये जो इतने ड्रॉप्स हुए हैं उनमें बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो कि लिक्विडेट हुए हैं, और जो भी पैसा इस बुल रन में कमाया था उन्होंने वो आई थिंक इन 3 ड्रॉप में से किसी एक ना एक ड्रॉप में तो उन्होंने गवा ही दिया होगा, अगर उन्होंने पेशेंस नहीं रखा और ग्रीड ज़्यादा जो अपने अंदर रखी होगी। तो ये बहुत ही डेंजर ड्रॉप है और अभी भी आप लोग देख सकते हो BTC बहुत ही डेंजर जोन के अंदर चल रहा है। तो अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट पंप होंगे, बट क्योंकि अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं और टाइम के साथ ये ऐसी ही चीज़ें बदलती जाएंगी। तो अभी हम लोग बात करें 40% ड्रॉप के बाद से यहाँ पे BTC चल रहा है, अभी भी ये 30% का ड्रॉप आप मान के चलो अपने ऑल टाइम हाई से। सो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या छोटा सा पंप आता है तो हम लोगों को निकल जाना चाहिए, या फिर हमें वेट करना चाहिए कि BTC और टॉप अभी मारेगा? तो मेरे हिसाब से मार्केट से निकलना अभी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये जो क्रिप्टो का गेम है दोस्तों वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है। लंबे टाइम तक हमें मार्केट में बने रहना है और ये मार्केट कहीं पे जा नहीं रहा। मे बी कुछ टाइम तक, कुछ महीने तक ऐसे ही चले, आप लोगों को लगे कि मार्केट ख़त्म हो गया। और कुछ लोग तो ये सोच बैठे हैं कि 2017 जैसा बियर रन आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा 2017 जैसा, क्योंकि फंडामेंटली चीज़ें जो है कम नहीं हो रही हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। जो अडोप्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो जो अडोप्शन का कर्व है वो उसको भी देखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं मार्केट में। हाँ, बट शॉर्ट टाइम के लिए बिटकॉइन के लिए चीज़ें एकदम सही नहीं है। या तो ये 40,000 तक ड्रॉप होना चाहिए, या फिर ये जो है 58 तक जाना चाहिए, बट उनमें से कुछ हो नहीं रहा, इधर ही पड़ा हुआ है काफ़ी दिन से। तो ऐसे में ऑल्ट्स कॉइन भी बहुत अच्छा मूव नहीं कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा पंप होते हैं 1-2% फिर गिर जाते हैं BTC के साथ में। तो ये कुछ अभी चल रहा है, तो ऐसे में अभी निकलो तो नहीं दोस्तों, ये तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा अगर आप इस मार्केट में लंबे टाइम के लिए हो तो। बट शॉर्ट टाइम के लिए हो तो एकदम से जो है लंबी चौड़ी पोजिशन ओपन मत करो फ्यूचर में, और फ्यूचर तो वैसे भी बहुत ही रिस्की है, तो अपना रिस्क पूरा आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। बट जो शिटकॉइंस आपने ले रखे हैं उनकी मैं कोई गारंटी नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे शिटकॉइन और ये जो मेटावर्स एंड NFT वाले प्रोजेक्ट हैं वो डेड हो जाएंगे टाइम के साथ धीरे धीरे। अगर आपने अच्छा प्रॉफिट बना लिया है तो आपका जो इनिशियल अमाउंट है वो निकालो और बाकी का पैसा पड़े रहने दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया है और आप फिर भी उसको रखे बैठे हो, तो ये गलती मत करो। मैं बहुत ही रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो ऑल्ट्स कॉइन है वो डेड होने वाले हैं टाइम के साथ। तो प्रॉफिट जिसमें बना लिया उसमें प्रॉफिट बना के निकल लो, वो बेटर होगा। एंड BTC का सपोर्ट आप लोग देख सकते हो, ये है 48,600, जो कि उसी के आसपास अभी चल रहा है और उससे नीचे भी गया है बट बाउंस बैक कर गया। एंड यहाँ पे आप लोग देखोगे जो बिक गई थी 4 दिसंबर को, अगर वहाँ तक जाता है तो ये 41 तक जा सकता है और इधर कंसोलिडेट होकर फिर ऊपर की साइड मूव कर सकता है, या फिर यहीं से जो है 58 तक चला जाए थोड़ा और कंसोलिडेट करके, ऐसा कुछ BTC के केस में हो सकता है। सो अभी के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि मार्केट में आप लोग बने रहो, लंबे टाइम के लिए हमें डटे रहना है। एंड कुछ फंडामेंटल न्यूज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आज एक एक्सचेंज हैक हुआ था SNDEX करके,
पहले बिटमैक्स था, इसका नाम आप सभी को पता होगा, 78 मिलियन डॉलर वर्थ के जो एसेट्स हैं यहाँ से चोरी हुए थे। तो आपका अकाउंट है तो थोड़ा सा जो है वरीसम की वाली बात तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि यूजर्स का जो भी फंड अफेक्ट हुआ है वो हम लोग जो है कवर कर देंगे, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ये जरूरत नहीं है। तो BSC एंड पॉलीगॉन एंड ERC20 टोकन हैकर्स ने इनके एक्सचेंज से जो है उड़ा लिए थे। तो ये अभी बियर मार्केट में बहुत सारी न्यूज ऐसी हमें देखने को मिलेंगी, बट अभी बियर मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले ही ऐसी न्यूज आ गई। एंड कुछ दिन पहले बिटमार्ट भी एक्सचेंज हैक हुआ था, तो अभी इसी मंथ में जो है देखो दो एक्सचेंज हैक हो चुके हैं। तो थोड़ा सा अपने फंड को लेकर भी सेफ रहो। एंड यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ट्विटर अकाउंट भी हैक हुआ था अभी आज ही कुछ टाइम पहले, तो देख सकते हो उसमें जो हैकर है उसने एक नॉर्मल जो कि काफ़ी टाइम से ये ट्रिक करते आ रहे हैं इन चीज़ों को, वो स्कैम पोस्ट किया है यहाँ पे गिव अवे वाला। सो आई डोंट नो इसमें कोई ट्रैप हुआ होगा या नहीं, बट ये कुछ ऐसा भी चल रहा है दोस्तों। सो आप लोगों को थोड़ा सेफ रहना है। एंड मोदी जी 2-3 बार जो है क्रिप्टो को लेकर बोल चुके हैं, तो इस वजह से इनके अकाउंट पर हैकर्स की नज़र है। तो इस वजह से भी उन्होंने आई थिंक हैक वगैरह करके ये स्कैम गिव अवे का प्रमोशन यहाँ पे किया होगा। सो इंडिया में अभी बिल का कुछ सीन फाइनल हुआ नहीं है, जैसे ही कुछ सही ऑथेंटिक न्यूज आएगी तो मैं बताऊँगा फिलहाल। बट न्यूज़ में तो आप लोग देख ही रहे होंगे क्लिक बेट, फेक आर्टिकल्स, एंड टीवी पे भी अभी लोग झूठ बोलने लगे हैं, तो वो सब कुछ चल रहा है। बट एक्चुअल जो ऑथेंटिक न्यूज होगी, जो बिल निकल के आएगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसी वीडियो में। अभी कुछ दिन पहले बजीरक्स पे पूरा मार्केट ही गिरा दिया था, तो वो एक नॉर्मल जो फंड था, कुछ नहीं हुआ। जो बेवकूफ़ थे वो सेल कर दिए, जो स्मार्ट लोग थे वो खरीद लिए। इवन USDT का इंटरनेशनल मार्केट में ही रेट 70-75 से ऊपर चल रहा है, और बेवकूफ़ लोगों ने वहाँ पे 60-65 तक गिरा दिया। तो सोचो कितना जो है मिसकंसेप्शन और गलत न्यूज़ की वजह से लोग जो है पैनिक में आ जाते हैं। तो इंडिया में ये कुछ चलता रहता है, बट इसका एडवांटेज स्मार्ट लोग पूरी तरीके से उठाते हैं। सो ये चीज़ है। एंड लास्ट वीडियो में गाइस मैं ब्रू टोकन के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था, तो वहाँ से ये 2x आई थिंक हो गया था। चार्ट पे चलो हम लोग देख लेते हैं और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और ये टोकन पे आई थिंक आपने रिसर्च वगैरह की होगी, तो अच्छी बात है। अभी आप लोग देख सकते हो 75 पे ये चल रहा है। एंड इधर मैं कुछ सजेस्ट कर रहा था, आई थिंक जब $1 से नीचे था तो ये $180 तक गया था। तो आई होप आप लोगों ने कुछ प्रॉफिट वगैरह बुक किया या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, बट अभी भी ये आई थिंक बाइंग जोन पे है, तो इसको ले सकते हो। और इधर ये सपोर्ट पे हिट कर रहा था और यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक कर गया, तो मे बी अगर फिर से गिरता है यहाँ तक 58 सेंट तक तो ले सकते हो, या फिर इधर बिक वगैरह और जाती है 40 सेंट तक, तब भी ले सकते हो। क्योंकि ये मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कर सकता है टोकन, तो इस वजह से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर बीच में कुछ प्लान वगैरह मैं चेंज करता हूँ इस टोकन से रिलेटेड, तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। एंड यस, ये जो VUX है इसके ऊपर अब मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बनाऊंगा, कैसे क्या एक्सचेंज को यूज करते हैं। वैसे तो काफ़ी सिंपल है, बट फिर भी मैं वीडियो बना दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये कुछ अपडेट इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना था। आई होप आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।